हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल नॉलेज सब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9th के जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसका कि कोड 165 है। जो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है इसका कोड 165 है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये जो सिलेबस है वो 2021 का है, लेकिन दैट मीन्स लेटेस्ट सिलेबस है। जो कंप्यूटर्स का जो सिलेबस होता है उसको हम बेसिकली 5 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यूनिट फर्स्ट आपका बेसिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें कि आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। और जो पीरियड्स होते हैं, जैसे हम थ्योरी के लिए प्रैक्टिकल्स के लिए डिवाइड कर देते हैं। साइबर सेफ्टी भी होता है, ठीक है, इसमें से 10 मार्क्स का आता है साइबर सेफ्टी, जो सेकेंड यूनिट है, ठीक है। एंड थर्ड यूनिट आपकी ऑफिस टूल है, और फोर्थ यूनिट आपकी स्क्रैच एंड पाइथन, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैब एक्सरसाइज होती है जो 50 मार्क्स की होती है। टोटल जो मार्क्स का आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ओके, डन। जो फर्स्ट यूनिट आपकी होती है वो बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इसमें जो कि आप जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी से ही रिलेटिव सारे क्वेश्चन आंसर या टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानते हो, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हो कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर्स की होती हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर आप जानते हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस, CPU, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, ये सारे कंपोनेंट है कंप्यूटर के। नेक्स्ट आपका इसमें मेमोरी होता है। मेमोरी आपकी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर स्टोरेज डिवाइस आती है, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म यूजेस। एंड नेक्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, इनपुट डिवाइसेस जिससे हम डाटा को एंटर करते हैं या कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, और आउटपुट डिवाइस जिससे डाटा को शो करता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, जो कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट नेटवर्किंग आती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे, लैंड मैन मैन और वायर एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, मीडिया मीडिया या ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं आप इसे, जिसके और इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट, और इसमें यूनिट फर्स्ट में जो लास्ट टॉपिक होता है वो मल्टीमीडिया होता है, जैसे कि इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इसके फॉर्मेट क्या क्या होते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है यूनिट सेकेंड, साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी में जैसे कि जो हम ब्राउजिंग करते हैं, जैसे कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें पासवर्ड क्या क्या होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी क्या क्या होनी चाहिए, कैसे उसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और वायरस से हम अपने सिस्टम को कैसे बचाएं, और वायरस क्या होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, उनके बारे में इस रिलेटिव सारी चीज़ें बताई जाती हैं। साइबर सेफ्टी, जैसे कि आप फेसबुक यूज़ करते हो, ट्विटर यूज़ करते हो, अदर सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हो, तो वहाँ पे अपने हमको पासवर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, उसके रिलेटिव इसमें सारा बताया जाता है। नेक्स्ट यूनिट आपकी थर्ड आती है ऑफिस टूल। ऑफिस टूल जो कि बेसिकली इसमें होता है एमएस वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस। इसमें कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको पढ़ते हैं, जैसे कि उसको डॉक्यूमेंट को हमें कैसे क्रिएट करना है, सेव करना है, ठीक है, एडिट कैसे करना है डॉक्यूमेंट को, उसके रिलेटिव सारे एमएस वर्ड के जितने भी इसमें रिबन्स होते हैं, जो भी मेनू बार होते हैं, ठीक है, उसके सारे कंटेंट हम पढ़ते हैं। कैसे पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, कैसे उसमें हम पेज को पेज फॉर्मेट करेंगे, नंबर रिंग हम उसमें कैसे करें, बॉर्डर कैसे करें, टेस्ट या टेबल कैसे इंसर्ट करें, उसके बारे में सारी चीज़ें हमें पता होती है, ठीक है, इसके सारे फॉर्मेट होते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रेजेंटेशन टूल, ठीक है। प्रेजेंटेशन टूल जैसे कि आप शुरुआत में पढ़ चुके हो, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जो एमएस पावर पॉइंट होता है उसी से रिलेटिव होता है, इसमें सारी चीज़ें एमएस पावर पॉइंट होती है। जैसे हम स्लाइड जो बनाते हैं, स्लाइड का मतलब होता है जिसके हम जो प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं वो स्लाइड के थ्रू ही होती है। उस प्रेजेंटेशन को हम कैसे सेव करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है, फॉर्मेट के बारे में बताया जाता है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड के बारे में, वाटर मार्क के बारे में, और जो जितने भी उसके फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं उसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाती है। नेक्स्ट इसमें जो आता है थर्ड हमारा, फर्स्ट तो आपका ये वाला हो गया था एमएस वर्ड, एंड सेकंड आपका क्या पावर पॉइंट हो गया, एंड थर्ड स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब आप जो पढ़ चुके हो एक्सेल, एमएस एक्सेल से रिलेटिव होता है, उसके सारे कंसेप्ट आते हैं,
कैसे हमें फॉर्मूला एंटर करना है, कैसे हमें उसमें डाटा को एंटर करना है, एडिट करना है और चेंजेस करना है। अलाइनमेंट ऑफ टेस्ट भी होता है, जैसे कि उसमें जो टेस्ट हम लिख रहे हैं कैसे अलाइनमेंट करें, और ये ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं, और जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं और ओन फंक्शन जो हम खुद के क्रिएट करते हैं उनके बारे में बताया जाता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनका यूज़ इसमें किया जाता है। ये एमएस एक्सेल होता है। ये यूनिट थर्ड आपके यहाँ पर फिनिश हो गई, और यूनिट फोर्थ आपकी आती है स्क्रैच एंड पाइथन। स्क्रैच और पाइथन ये ऑप्शनल होते हैं, इसमें से कि आपको एक प्रोग्रामिंग करना मस्ट है, एक प्रोग्रामिंग की दैट मीन्स एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। स्क्रैच पढ़ सकते हैं या पाइथन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो सेलेक्ट करते हैं स्क्रैच, तो स्क्रैच से रिलेटेड इसमें कुछ ओनली फंडामेंटल ओवरव्यू होता है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ये 10th में पढ़ाया जाता है ज़्यादा डीपली। और इसमें पाइथन होता है, पाइथन में कैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, पाइथन प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। फिर लैब एक्सरसाइज होती है, लैब से रिलेटेड आपको फाइल दी जाती है, वो फाइल में आपको अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होता है, उससे रिलेटेड टीचर्स आपको प्रोजेक्ट देता है, प्रेजेंटेशन देता है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी होती है, क्रिएट प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और आपको कुछ पाइथन और इसके प्रोग्राम ऐड करने होते हैं। जो मार्क्स आपके होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो मार्क्स होते हैं वो भी प्रैक्टिकली वो आपके कैसे होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग आपने कोई फाइल बनाई वो 7 मार्क्स की होगी, उसमें स्प्रेडशीट जो आपने बनाई जैसे कि एक्सेल, या आपके एक्सेल की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सेल उसमें भी 7 मार्क्स का होता है। प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर, पावर पॉइंट भैया, पावर पॉइंट भी आपका 8 मार्क्स का आता है, पाइथन प्रोग्राम भी 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। और रिपोर्ट फाइल और वाइवा ये 10 मार्क्स का आपका होता है। ये इसमें आपको रिपोर्ट भी बनानी होती है, जो 4 डॉक्यूमेंट ईच विद द वर्ड प्रोसेसर से रिलेटिव होने चाहिए, स्प्रेडशीट से, प्रेजेंटेशन टूल से, एटलीस्ट 4 प्रोग्राम ऑन ए पाइथन, मिनिमम कम से कम 4 प्रोग्राम आपके, 4 प्रोग्राम आपके होना जरूरी है। 2 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। प्रोजेक्ट फाइल जो आपकी बनती है वो आपकी सबमिट हो जाती है 10 मार्क्स की। टोटल मार्क्स का जो होता है ये 50 मार्क्स का होता है। ओके डन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट फर्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ऑल टॉपिक बाई टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, तो उसको पढ़ने के लिए आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। और आपको कोई इसमें से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।